हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो ये है सिक्स्थ क्लास के लिए वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेकंड लेसन के द अनग्रेटफुल मैन लेसन का नाम था, उसके चार क्वेश्चन करवा दिए थे। तो और वो आपको राइट एंड लर्न करने के लिए भी दिए थे, तो आपने कर लिए होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो नेक्स्ट आज हम जो चार उसके क्वेश्चन रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग इशू फॉर द ब्राह्मण, कि व्हाट ऑर्डर डिड द किंग, कि किंग ने क्या ऑर्डर इशू किया था फॉर द ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए जब गोल्ड स्मिथ उसके पास गहने लेके जाता है तो वो क्या, राजा क्या ऑर्डर इशू करता है उसके लिए। द किंग इशूड द ऑर्डर फॉर द ब्राह्मण दैट फेटर्ड हिम एंड इम्पेल हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग। द किंग इशूड द ऑर्डर, कि राजा ने जो ऑर्डर है वो इशू किया, क्या इशू किया, फॉर द ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए इशू किया, दैट फैटर्ड हिम, कि उसे बांध लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, एंड इम्पेल हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह उसे इम्पेल मतलब फांसी देना, कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, फांसी दे दी जाए। नेक्स्ट है, और ऐसा क्यों कहा था उस राजा ने, क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो गहने लेके जाता है वो किसके थे, राजा के बेटे के मतलब प्रिंस के थे, जो ब्राह्मण को किसने दिए थे, जो टाइगर ने दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्नेक हेल्प द ब्राह्मण व्हेन ही हैड बीन इम्पेंडेड, हाउ डिड द स्नेक हेल्प द ब्राह्मण, कि ब्राह्मण की हेल्प कैसे की स्नेक ने, कि उसकी सहायता कैसे की जब वो बंदी बन गया था। द स्नेक, देखिए तो क्या था, द स्नेक बिट द क्वीन एंड कीप हर पॉइजन्ड अंटिल द ब्राह्मण डिड नॉट टच हर। द स्नेक बिट द क्वीन, की जो स्नेक है उसने रानी को काट लिया, जो राजा की रानी थी, जो प्रिय रानी थी, उसे काट लिया, एंड कीप हर पॉइजन्ड अनटिल, और उसे तब तक पॉइजन रखा मतलब उसमें जहर अपना जो है उस तब तक बनाए रखा, अनटिल द ब्राह्मण डिड नॉट टच्ड हर, जब तक ब्राह्मण ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ने, अगर ब्राह्मण ने आके उसको छू लिया तो फिर क्या है, राजा उससे खुश हो गया और उसे छोड़ दिया। तो ऐसे उसने हेल्प की थी ब्राह्मण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द किंग गेट द गोल्ड स्मिथ अरेस्टेड, कि राजा ने कब ऑर्डर दिया कि गोल्ड स्मिथ जो है, जो सुनार है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको बंदी बना लिया जाए। तो व्हेन द ब्राह्मण रिवील्ड द ट्रूथ एंड द किंग अंडरस्टैंड द फैक्ट देन ही गोट द गोल्ड स्मिथ अरेस्टेड। व्हेन द ब्राह्मण रिवील्ड द ट्रूथ, जब ब्राह्मण ने सच्चाई बताई राजा को, रिवील्ड मतलब होता है बताना, या फिर उसको रिवील करना मतलब छोड़ देना, कि सच्चाई बता देना सभी को, एंड द किंग अंडरस्टैंड द फैक्ट, और राजा को पूरा जो फैक्ट है, पूरा जो कथन है, जो जो भी घटना हुई थी ब्राह्मण के साथ, वो पूरी समझ में आ जाती है, देन ही गॉट द गोल्ड स्मिथ अरेस्टेड, और उसके बाद उसने क्या ऑर्डर दिया कि गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट कर लिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने जो ब्राह्मण है उसका, उसके एहसान का बदला अच्छे से नहीं दिया था, एहसान फरामोशी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ डिड द किंग रिवॉर्डेड द ब्राह्मण फॉर सेविंग हिज क्वीन्स लाइफ, हाउ डिड द किंग अवॉर्डेड द ब्राह्मण, की रिवॉर्ड द ब्राह्मण, की ब्राह्मण को उसने कैसे पुरस्कृत किया राजा ने, कि उसको कैसे गिफ्ट दिया, उसको क्या इनाम दिया, फॉर सेविंग हिज क्वीन्स लाइफ, उसकी रानी की जान बचाने की। तो आंसर है इसका, द किंग गेव द ब्राह्मण 1000 विलेजेस एंड अपॉइंटेड हिम एज हिज प्राइवी काउंसलर, कि राजा ने उसे क्या है, गेव द ब्राह्मण 1000 विलेजेस, उसे राज करने के लिए जो 100 विलेजेस हैं वो दे दिए, और अपॉइंटेड हिम एज हिज प्राइवी काउंसलर, और उसे क्या है, अपना निजी सलाहकार बना लिया। तो ऐसे उसने उसे रिवॉर्ड दिया था। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं, ये आप राइट एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू।